परियोजनाओं के साथ साथ छोटी परियोजनाएं भी बिना झील के सिंचन की हो सकती हैं। तो मैं अपने अधिकारियों से कहूंगा कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएं। और दूसरा, उत्तराखंड में सौर ऊर्जा की बहुत संभावनाएं हैं, मुझे मालूम है। अब राधा जी अगर तो काम को कर, मुझे मालूम है राधा जी जो काम हाथ में लेती हैं उस काम को पूरा करती हैं। निश्चित ही इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना हो या केंद्रीय सौर ऊर्जा की परियोजनाएं, सब में जो गति होनी चाहिए थी, अगर फौजी आदमी सीधी बात बोल देता हूं, उस गति में हम काम नहीं कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन पूरा पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हमारे अधिकारी और हम मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। इस अवसर पर एक बार फिर इन योजनाओं के लोकार्पण पर मैं मानुकृति को शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको कि आपके प्रयासों से ही हमारी योजनाएं पूर्ण हो पाई हैं। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मैं स्वयं में हिमालय का सब व्यक्तित्व रखने वाले हमारे परम श्रद्धे माननीय मुख्यमंत्री जी और आपके मध्य बहुत समय तक नहीं आऊँगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उपस्थित जनसमूह को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड द्वारा आज श्री केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, ऋषिकेश, कनखल, पनियाला, अल्मोड़ा, रुद्रपुर, किच्छा, काठगोदाम, आराकोट, अस्कोट, ब्यासी, देहरादून, जाफरपुर में विद्युत आपूर्ति की पूर्ण की गई कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनको आज अभी यहाँ पर जिनका लोकार्पण हुआ है, उस लोकार्पण कार्यक्रम में अभी आप जिनको सुन रहे थे हमारे उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी और आप सबके इस निगमों के अध्यक्ष के नाते भी लगातार आप सबके साथ रहती हैं और साथ में अपर मुख्य सचिव हमारे कार्यालय को भी सब संचालन पूरा उन्हीं के द्वारा होता है और बहुत सारे महत्वपूर्ण विभागों को देखते हैं। राधा रतूड़ी जी हमारे पावर कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अनिल जी और जल विद्युत निगम के एमडी श्री सिंगल जी, रंजना जी, अहमद इकबाल जी, हमारे डब्बू भाई, प्रोफेसर पंत साहब और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, मीडिया के बंधु, सभी विभाग के आए हुए अधिकारीगण, कर्मचारीगण, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने आज जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो यहाँ पर जनता को समर्पित की हैं। और हमारा ये शुरू से एक स्लोगन भी रहा है कि हमारी सरकार जिन योजनाओं को भी शिलान्यास करेगी, हम केवल शिलान्यास नहीं करेंगे, शिलान्यास के साथ साथ उनका लोकार्पण भी करेंगे। और इस दिशा में लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारा राज्य यहाँ गंगा और यमुना का उद्गम राज्य है, मध्य हिमालय का यह पवित्र क्षेत्र है। यदि इस हिमालय क्षेत्र में कई पर्यावरणीय प्रश्न भी हैं, यद्यपि बहुत सारी जटिल हमारे यहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ भी हैं, तो वहीं जल विद्युत की भी अपार संभावनाएं जो अनंत तक जा सकती हैं, यह भी हमको उपलब्ध करवाता है। अब सवाल यह है, प्रश्न ये है कि हम कैसे इस विशाल संसाधन का उपयोग करते हैं।
और मैं बचपन से ये सोचता रहता था, करीब जब मैं छोटा था, कि कैसे अधिक से अधिक जल विद्युत का जो हमारे यहाँ पर एक विशाल क्षेत्र है, मैं कहूँ कि अनंत क्षेत्र है। और जैसा अभी मंत्री जी कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात पहुंची है, लेकिन बात बड़ी सही करते हैं। तो फिर उन्होंने ये कहा कि हम 30,000 मेगावाट बिजली को पैदा कर सकते हैं। तो आप सोच लीजिए कि अगर 20,000 बिजली का मेगावाट हमने जो उत्पादन शुरू कर दिया, तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे? जमीन से आसमान पर पहुंच जाएंगे। अभी हमारा इस क्षेत्र में काफी काम किया जाना बाकी है। अभी पिछले दिनों भारत सरकार के मंत्री आए थे, श्री आर के सिंह, तो उनके समक्ष भी मैंने कुछ बातें रखी थी। टेहरी के जो फेज 1, फेज 2 और कोटेश्वर, तीनों को मिलाकर लगभग 2400 मेगावाट। पहले फेज में 1,000 मेगावाट, दूसरे फेज में 1,000 मेगावाट और कोटेश्वर में 400 मेगावाट। तो उसमें कुछ न्यायालय में भी कुछ मामला विचाराधीन है, जिसके कारण से अभी हमको जो वहाँ से बिजली मिलनी चाहिए लगभग 250 मेगावाट मिलेगी ना, अगर हमारा सब समाधान हो जाएगा तो 250 मेगावाट हमको वहाँ से मिलनी है। मैंने भारत सरकार के मंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि क्योंकि हमारा उस पर अधिकार बनता है, वो हमको दिलवा दिया जाए। तो उस दिशा में काम चल रहा है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं जब मिला था, तो हमारी परिसंपत्तियों के जो बंटवारों के मामले थे, उन मामलों में भी ये मामला भी एक महत्वपूर्ण मामला है। क्योंकि वैसे तो मैं उनका धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि उन्होंने सारे के सारे मामले जो हमारे सिंचाई विभाग के थे, वन विभाग के थे, इसके साथ साथ आवास विकास से जुड़े हुए थे, वन विभाग के थे, खाद्य विभाग के थे, सारे मामलों में परिवहन का मामला था, वो सारे के सारे उन्होंने निस्तारित करवा दिए, सब का फैसला करवा दिया। सिंचाई विभाग के लगभग सारे मामले निपट गए हैं, जो कि पिछले 21-22 सालों से लगातार जिस पर कसरत हो रही थी, जिस पर लगातार काम हो रहा था, उनके माध्यम से। चूंकि मैं इस बार लखनऊ गया था, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि माननीय महाराज जी, आप चूंकि आपका जन्म स्थान यही है, मैंने कहा हिसाब किताब की बात मत करिए। और उनके अधिकारियों से भी कहा, जब बैठक शुरू हुई तो उनके अधिकारीगण जो है तमाम तरह की बातें ले आए कि इसमें ऐसा नहीं हो सकता, उसमें ऐसा नहीं हो सकता, आपके यहाँ से जवाब नहीं आया है। तो मेरे साथ हमारे यहाँ के भी अधिकारीगण थे, वो कुछ बोलते, मैं कुछ बोलने लगा, तो योगी जी ने कहा कि नहीं आप मत बोलिए। तो वो खुद ही बोलने लगे और उन्होंने कहा कि भाई जब इन्होंने सारे काम पूरे कर लिए हैं तो आप इसका निस्तारण करिए। और सबका निस्तारण हुआ। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि वन विभाग के तो लगभग 77 करोड़ रुपये का चेक जो है हमको उसी दिन मिल गया। हमने 11 बजे मीटिंग करी और मीटिंग करते ही मिल गए, क्योंकि वन विभाग और सिंचाई विभाग दोनों के दोनों, हमारा सिंचाई विभाग और ऊर्जा विभाग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, काफ़ी जुड़े हुए हैं। और हम सन 2000 से ही देख रहे हैं कि जब राज्य का गठन हुआ था, और हमारा पुनर्गठन का भी जो है इस पर पुनर्गठन जो एक्ट आया था, उसमें बहुत सारे मामलों का समाधान हो गया। जैसे पहले तो क्या था कि सारे जो जल विद्युत ग्रह जो हमारे चलते थे, वो सारे के सारे उत्तराखंड बनने तक जो है, बनने के बाद भी काफ़ी दिनों तक वहीं से संचालित हो रहे थे। फिर उसके बाद होम मिनिस्ट्री में हमारी बैठक हुई, उस समय हम भी गए थे और देखा हम लोगों ने, तो जो हमारे यहाँ का था हमको अधिकार मिल गया। बहुत सारी जगह पर अभी अधिकार मिलना बाकी है, बहुत सारे सिंचाई विभाग के जो हेडवर्क्स हैं उन पर भी अभी काम होना बाकी है। अभी हमारे सामने बहुत चुनौती है, आप लोगों के सामने, क्योंकि पावर कॉरपोरेशन, ट्रांसमिशन, ये तो हमारा लाइनों को बनाना और विद्युत की सप्लाई करना,
आप सब लोगों का मुख्य काम है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे सिंगल जी यहाँ बैठे हैं और आप तो हैं ही इसकी सर्वे सर्वा जल विद्युत में, इसमें हमारी बहुत संभावनाएं हैं। और हमारे राज्य का जो गठन हुआ था तो उस समय गठन के समय से जो सबसे बड़ी हमारी एक आधारभूत संरचना जिसको हमने आधार स्तंभ माना था उसमें ऊर्जा का बहुत बड़ा काम है। और आज भी हम अभी बजट बना रहे थे और बजट पर चर्चा हो रही थी, अब चूंकि बजट सेशन हमारा शुरू होने वाला है 2 दिन बाद, तो उस पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो बहुत सारे जो हमारे ऊर्जा हमारे राजस्व के स्रोत हैं उन स्रोतों में से एक ऊर्जा का स्रोत भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमको जितना आगे जाना चाहिए था हम उस क्षेत्र में जा नहीं पाए हैं अभी तक। और बड़ी मुश्किल क्या है कि GST जब से भारत सरकार का लागू हुआ है, अभी हमको GST कंपनसेशन मिल रहा है और वो इस साल जून में समाप्त हो रहा है, और उसके समाप्त होते ही हमको 5,000 करोड़ रुपए का जो है सीधे सीधे कहीं ना कहीं हमको डेफिसिट होगा, हमारा कम हो जाएगा। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हर क्षेत्र में हम कैसे अच्छा करें। अभी हमारे अनिल जी ने जो है कितने कितने करोड़ की बिजली खरीदी, 790 करोड़ की बिजली खरीद चुके हैं। सारे निगम जो है चलाने के लिए हम लोगों को यहाँ से काम करना पड़ रहा है, और इस हॉल में बैठे हुए सभी लोग आप लोग बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े मैं कहूँ तो एक क्रीम इस विभाग की यहाँ पर बैठी हुई है। तो ये कोई ये विषय केवल इतने लोगों का नहीं है जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो लोकार्पण करने के लिए आगे आ रहे हैं या मंच पर भाषण दे रहे हैं, ये विषय हम सबका है। ये हमारे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है, और जब उत्तराखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें आप लोगों की भी गणना होगी। ये कालखंड होगा बलोनी जी कि हम लोगों ने उस समय में क्या किया था, और आज हमको जो है ठीक प्रकार से अपने पैरों पर खड़ा होना है, ठीक प्रकार से व्यवस्थाओं को संचालन करना है, अधिक से अधिक राजस्व कैसे प्राप्त हो उस दिशा में हमको काम करना है। और सारे निगम हमारे चूंकि अच्छा काम कर रहे हैं, व्यवस्था तो व्यवस्थित तो अच्छा होता है, मैं अभी मैडम से कह रहा था कि इनके कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं। अब जैसे कार्यक्रम अच्छे होते हैं वैसे काम भी अच्छे हो जाए तो क्या कहना, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और मैं मानता हूँ कि आप सब लोग इस दिशा में काम करेंगे, और आज बड़ा अच्छा है, अस्कोट से लेकर आराकोट और जिसको मैं कहता हूँ माना से मुंशारी तक फैला हुआ, यह हमारा बहुत ही सुंदर उत्तराखंड अपना अपना ही नहीं बल्कि पूरी देश की जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसको पूरा करने में सक्षम है, पूरे देश की। ठीक नहीं है तो उन कानूनों को समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। देश में 1500 से भी ज्यादा कानून भारत सरकार ने समाप्त कर दिए हैं,
और हम भी उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी नई सरकार के गठन के बाद कि सरलीकरण समाधान बढ़ जाएगी। तो इसलिए सरलीकरण समाधान और निस्तारण इस मंत्र का हम सब लोगों ने पालन करना है, सबने देखना है। जैसे हमने सचिवालय में एक दिन कर दिया है, क्योंकि आपका विभाग बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है, सीधे सीधे जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। आजकल कहीं आप जो है बीच में कटौती कर रहे हैं बिजली की, कहीं पर मीटर की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर वोल्टेज की प्रॉब्लम है, कहीं पर जो हमारे बिल हैं बिजली के उसकी भी बहुत शिकायत, आईडीएफ मीटर ये वो। तो उस पर मैं चाहूँगा कि सख्ती से काम होना चाहिए और जीरो से शुरू हो। कोई बात नहीं, पीछे जो चला गया उसको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये हमारे हाथ में, हम इसको कर सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि आप सब लोग इस दिशा में ज़रूर काम करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वर्क कल्चर है कि अब हर क्षेत्र में, कोई क्षेत्र नहीं है, चाहे निगम है, चाहे हमारा विभाग है, चाहे हमारा आज राजनीति का क्षेत्र है, समाज का क्षेत्र है, व्यापार का क्षेत्र है, उद्योग का क्षेत्र है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में आप काम न करें और काम न करने के बाद भी जो है आपको अच्छा माना जाए। मैं समझता हूँ कि खुद को भी संतुष्टि नहीं होगी। अब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ आपको, मैडम देखती हैं हमको 24 घंटे हम लोग लगे रहते हैं। अगर किसी दिन मैं ऐसे कार्यक्रम से लेकर अगर मैं कम से कम 5-7 जगह पर अगर नहीं जाता हूँ या दिन भर में मैं नहीं करता हूँ, तो मेरे सामने आगे पढ़ने वाले लोगों को बहुत सुननी पड़ती है। ये बैठे भी हैं इसमें कई लोग, मैं शाम को रोज पूछता हूँ उनसे, अभी मेरी आदत में आ गया है। और मैं खुद से भी पूछता हूँ, मैं कितना ही थका हूँ मुझे अच्छी नींद ही नहीं आती। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि भाई कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर हमको देना चाहिए। और वैसे भी देखिए, आप लोग इतने बड़े सब लोग इंजीनियर हैं, कोई हमारे अच्छे अधिकारी हैं, यहाँ पर सबको अच्छा अच्छा काम मिला हुआ है, तो भगवान ने दिया हुआ है। देखिए कितने लोग हैं जो बिना काम के घूम रहे हैं, कितने लोग हैं जिनको छत भी नहीं मुहैया है। उनसे हम अगर अपनी तुलना करेंगे तो हम अपने आप को बहुत बेहतर पाएंगे, और इतना बेहतर पाएंगे मैं सच बता रहा हूँ। मैं किसी को ये ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर कभी नहीं करता। मैं तो अभी आप लोगों की सुशासन की जब बैठक हुई थी एक दिन, उस बैठक में मैंने हमारे सचिवगण जो हमारी सरकार के मुख्य अंग होते हैं, वो प्रमुख लोग थे, उन लोगों से भी मैंने ये कहा कि कई बार क्या है, हमारे यहाँ एक सचिव हैं, उनके पास 5 विभाग है, 2 निगम हैं। मैंने ये कोई ऊर्जा निगम और जल विद्युत निगम या मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा भी तो लोग अपने यहाँ 5-5 गाड़ियाँ रख लेते हैं। मैंने किसी से नहीं कहा, कोई ऑर्डर नहीं करा मैंने कि सबकी गाड़ी हटा दीजिए। मैंने कहा ये आप लोगों के लिए कोई सिंबल नहीं है, कोई आपका ये सिंबल नहीं है कि आप 5 गाड़ी रखेंगे तो आप जो है बहुत बड़े हो जाएंगे और गाड़ी नहीं रखेंगे तो बड़े नहीं रहेंगे। तो मेरी आदत है थोड़ा सा कि मैं सीधे सीधे नहीं कहता हूँ। मैं भी 5 जन के कार्यक्रम में गया था तो पूरे देश भर के सारे मुख्यमंत्रीगण आए हुए थे उसमें, तो मुझे बोले कि आप बड़े प्यार से बोलते हो। मैंने कहा प्यार से बोलना, और बचपन से हमने सीखा है कि बातचीत अच्छी होनी चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए बात करने में, लेकिन काम करने में या फैसले लेने में उसमें उतनी कठोरता भी होनी चाहिए, उसमें कहीं किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने चाणक्य ने भी कहा है जब हम आपस में बात करें तो क्या करें, बिल्कुल बच्चों की तरह बात करें। यही है किशोर, ऐसे ही है ना अभिषेक, क्या बात करने में जो है क्या मधुरता होनी चाहिए।
मधुरता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, लेकिन काम जो है अच्छा होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि आप सब लोग निश्चित रूप से इस क्षेत्र में काम करेंगे। एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण के लिए ऊर्जा का सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, और जो नए स्टेशन आज विकसित किए जा रहे हैं ये उस श्रृंखला का आज एक हिस्सा है, जो लगातार अनवरत रूप से काम हमारा इन पर होता रहेगा। इन योजनाओं से मुख्य रूप से विद्युत आपूर्ति और गुणवत्ता में सुधार होने के कारण जनता को सुविधा होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। इसके लिए हमें इस गर्मी के मौसम में मैं विभाग से अपेक्षा रखता हूँ कि जहाँ रोस्टिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग चूँकि मजबूरी है उसमें हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक सीमाएँ भी हैं, राज्य को भी चलाना है, सब जगह बैलेंस भी करना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रोस्टिंग का समय क्या हो, किस समय में कैसे हो, ये थोड़ा हम मानवीय आधार पर अगर सोचें तो लोगों को लगेगा कि ऊर्जा विभाग भी बदल गया। और इसका कल से कुछ अनिल जी दिखाई दे, लोगों का कार्य व्यवहार बदले, लोगों को लगे कि आज मुख्यमंत्री मुख्य सेवक सदन में, इसका नाम होगा ये हमने जनता दरबार हॉल होता था पहले, जहां आप लोग बैठे हैं ना, इसका नाम था जनता दर्शन हॉल। हमने कहा कोई जनता दर्शन हॉल नहीं, इसको मुख्य सेवक सदन रख दो, इसका नाम जो है मुख्य सेवक सदन रख दिया। तो इस मुख्य सेवक सदन में जो आज ये बैठक हुई है हमारी, ये लोकार्पण कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के बाद सबको एक संदेश जाना चाहिए। और आप लोग जो लोग बैठे हैं या वर्चुअल माध्यम से भी जुड़े हैं कुछ लोग, क्या अच्छा, तो आपके माध्यम से जाना चाहिए कि नहीं आज से हम लोगों ने जो है कुछ हमारे यहाँ आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, हमने कुछ चेंज किया है, हमने अपने आप को सेवा करने के लिए समर्पित किया है और मनोयोग से समर्पित किया है। मैं समझता हूँ कि अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से, ये मेरा कोई आदेश नहीं है, मैं आदेश नहीं करता हूँ, मैं इस बात पर विश्वास रखता हूँ कि सबके समन्वय से काम होना चाहिए, सबकी सहभागिता से। हर काम में हम बीच का रास्ता निकालते हैं। आपके ऊर्जा निगम के लोगों ने बड़ी हड़ताल करी थी चुनाव से पहले और बड़े उस पर आ गए, वो पहले दिन तक 3-4 दिन तक कहने लगे 6 तारीख को बंद कर देंगे। उस समय कौन था, रंजना जी आप थी उस समय, नहीं इकबाल जी थे शायद, आप तो मैडम, तो हमने कहा भाई ऐसा मत करिए, अभी मैं नया नया ये मुझे काम मिला है और मेरी पार्टी के लोगों ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, ऊपर के लोगों ने सोचा है कि पुष्कर सिंह धामी को इसीलिए बनाया गया है इस सब के बीच में कि बीच का रास्ता निकालेगा वो, तो हम बीच का रास्ता निकालने के लिए आए हैं। तो हम सब बातों का हमने उसमें लगभग समाधान किया। उनके 12 पॉइंट थे, 12 में से 8 या 9 में हमने सहमति हो गई थी हमारी, जो बचे हुए थे उसको भी हम निकट भविष्य में करेंगे, हमने उनसे कहा था। और मैं उनका सबका मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि अच्छी बात ये हुई कि मीटिंग में जब मैं ही आ गया लास्ट में मीटिंग में, पहले कह रहे थे मंत्री जी थे उस समय ऊर्जा मंत्री, पहले मैडम बात कर रही थी, फिर वो सौजन्या जी बात कर रही थी, सब बात कर रहे थे। अब मैंने कहा भैया लास्ट में मैं भी आ गया हूँ मैदान में, तो मैं आ गया, लेकिन उन्होंने मेरी बात का इतना सम्मान किया कि उसके बाद उन्होंने बिना शर्त, उस समय तो सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने बिना शर्त, और कई बार क्या होता है बहुत कुछ मांगने से नहीं मिलता है और बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं बहुत बार पहले सोचता था मुझे आज मंत्री बना दो, मुझे सांसद का टिकट दे दो, मुझे पार्टी का अध्यक्ष बना दो। मैं थोड़ी पैरवी भी करता था, सभी करते हैं, सब मनुष्य का स्वभाव होता है रवि भाई, तो लोग भी चाहते थे वो कि मुझे कुछ बनाए कि भाई ये अच्छा काम करेगा, और सब मुझे जानते पहचानते थे, बचपन से मैं इसमें काम करता था, लेकिन बन नहीं पाता था, नंबर आता नहीं था उस समय। और इस बार जब बना तो मैंने किसी से कुछ कहा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब बन गया। तो इसलिए दाता तो हर समय जो है क्या है, दाता तो क्या है कि बिधाता है, और देने वाला वही है। लेकिन क्या है कि हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम ही खुद ही दाता हो गए हैं, खुद ही विधाता हो गए हैं, तो ये हमारी कई देर के लिए, थोड़ी देर के लिए गलत फहमी होती है। और देखिए हम कोई भी काम करते हैं तो हम
दूसरे को तो सोच सकते हैं कि नहीं नहीं मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हमारा प्रेजेंटेशन भी बड़ा अच्छा होता है, जब हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। लेकिन थोड़ी देर से हटके सोचिए, आप दूसरे को बड़ा अच्छा बता सकते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा हो सकता है, लेकिन खुद के मन में जरूर होता है कि यार ये काम मैंने ठीक से नहीं किया है, लेकिन मैं प्रेजेंटेशन अच्छा कर रहा हूँ। सामने भले कितनी सफाई हो, कितना ही जो है हम क्या कहते हैं स्मार्ट हो, स्मार्ट ही बोलते हैं मैडम, लेकिन लेकिन हर किसी को पता होता है कि मैंने ऐसा काम नहीं किया। और अगर हम सब लोग पूरे प्राणों प्रण से मनोयोग से कोई भी काम करेंगे तो हमको सबसे अच्छा जो होगा पता है क्या होगा? सबसे अच्छा होगा आत्मसंतुष्टि का भाव। और जब हमारे अंदर आत्मसंतुष्टि होगी तो जब हम स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे तो आत्मा में ही परमात्मा का वास है। कहते हैं अणु में ही परमाणु है, छोटे में ही बड़ा है, जड़ में ही जो है क्या है चेतन है, छोटे में ही बड़ा है, जो तेरे में है वो मेरे में है, परमात्मा कहते हैं। तो हम लोग निश्चित रूप से आज जो है, जो थोड़ा सा मेरे मन में विचार आया कि आप सबके समक्ष, क्योंकि ऊर्जा विभाग से मेरा बड़ा लगाव रहा है, मैंने शुरू से हमने काम किया है और थोड़ा बहुत मैं ऊर्जा विभाग को समझता भी हूँ, तो इस नाते और आप लोगों के अब मंत्री भी कोई नहीं है इस समय, मंत्री का दायित्व भी मेरा ही है मुख्यमंत्री के साथ साथ, तो इसलिए मैंने आप सबके सामने ये बात रखी। तो हम सब, मैं अपनी तरफ से आप सभी को बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और बहुत मेरी शुभकामनाएँ कि कल से मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि कुछ न कुछ मुझे ऊर्जा विभाग बदला हुआ दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार और खड़े होकर जो है माननीय मुख्यमंत्री योजना चालने लगाई जाए, तो मैं आपको अवगत कराऊं आज इस हॉल में बहुत सारे नए बच्चे हैं जिन्होंने आपके हाथों से ही कर नियुक्ति पत्र भी लिया था और निश्चित रूप से वो एक प्रेरणा लेकर यहां से जाएंगे और आपकी बात पर आपका आग्रह हमारे लिए आदेश के समान है और निश्चित रूप से हम उस पर हमेशा खड़े उतरने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद करूं उससे पहले आज के इस कार्यक्रम के लिए एक स्मृति चिन्ह श्री केदारनाथ जी की प्रतिमूर्ति, मैं ईसीएस मैडम से अनुरोध करूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे कप्तान धोनी के साथ। मैं अनुरोध करूंगा अनिल कुमार साहब से एसीएस मैडम को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कोशिश करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा निदेशक परिचालन एमएल प्रसाद साहब से, सर अपर सचिव अहमद इकबाल साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कोशिश करेंगे। बातों को हम आदेश की तरह अंगीकार करते हुए